33 फीट में लाकर कर्म का किया जाए उसके ऊपर। सर मेरी सर प्रतिक्रिया चाहिए थी महाराष्ट्र के ऊपर जो सरकार को लेकर आज शरद पवार मिले हैं, मोदी जी से मिले हैं, क्या लगता है आपको कैसा भविष्य होगा महाराष्ट्र? हरियाणा प्रदेश में 5 साल स्टेबल सरकार चलेगी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर मिनिमम महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, जननायक जनता पार्टी ना तो वहाँ चुनाव लड़े। मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ महाराष्ट्र में एक सरकार हरियाणा जैसी स्टेबल आए जो महाराष्ट्र के हितों की सुरक्षा और महाराष्ट्र प्रगति के पथ पर लेकर है। उसके लिए चाहे NCP BJP हो, सुनने में आए शिवसेना कांग्रेस भी जा सकते हैं, तो उनके स्टेट का इशू है, वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा रहते हैं। हरियाणा के जो पावरफुल मंत्रियों की जो कानूनी लड़ाई कब खत्म होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तहत आएगी या अभी चलते रहेंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर दो तो हमारे मंत्री हैं, अनिल विज जी हैं, अनूप जी, 3 पूर्व विधायक हैं, बैठकर अपना कार्य करेंगे, इसमें कौन सी लड़ाई झगड़े हैं। जी सर जो कानूनी किया 33 फीट में लाकर कर्म पक्का किया जाए उसके ऊपर। सर मेरी सर प्रतिक्रिया चाहिए थी महाराष्ट्र के ऊपर जो सरकार को लेकर आज शरद पवार मिले हैं, मोदी जी से मिले हैं, क्या लगता है आपको कैसा भविष्य होगा? हरियाणा प्रदेश में 5 साल स्टेबल सरकार चलेगी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर मिनिमम महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, जननायक जनता पार्टी ना तो वहाँ चुनाव लड़ी। मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ महाराष्ट्र में एक सरकार हरियाणा जैसी स्टेबल आए जो महाराष्ट्र के हितों की सुरक्षा और महाराष्ट्र प्रगति के पक्ष पर लेकर है। उसके लिए चाहे NCP BJP हो, सुनने में आए शिवसेना कांग्रेस भी जा सकते हैं, तो उनके स्टेट का इशू है, वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा बेहतर। हरियाणा के जो पावरफुल मंत्रियों की जो कानूनी लड़ाई कब खत्म होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तहत आएगी या अभी चलते रहेंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर दो तो हमारे मंत्री हैं, अनिल विज जी हैं, अनूप जी हैं, 3 पूर्व विधायक हैं, बैठकर अपना कार्य करेंगे, इसमें कौन सी लड़ाई झगड़े हैं। जी सर जो कानूनी 33 फीट में लाकर कर्म पक्का किया जाए उसके ऊपर। सर मेरी सर प्रतिक्रिया चाहिए थी महाराष्ट्र के ऊपर जो सरकार को लेकर आज शरद पवार मिले हैं, मोदी जी से मिले हैं, क्या लगता है आपको कैसा भविष्य होगा महाराष्ट्र? हरियाणा प्रदेश में 5 साल स्टेबल सरकार चलेगी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर मिनिमम महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, जननायक जनता पार्टी ना तो वहाँ चुनाव लड़ी। मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ महाराष्ट्र में एक सरकार हरियाणा जैसी स्टेबल आए जो महाराष्ट्र के हितों की सुरक्षा और महाराष्ट्र प्रगति के पथ पर लेकर है। उसके लिए चाहे NCP BJP हो, सुनने में आए शिवसेना कांग्रेस भी जा सकते हैं, तो उनके स्टेट का इशू है, वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा बेहतर। हरियाणा के जो पावरफुल मंत्रियों की जो कानूनी लड़ाई कब खत्म होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तहत आएगी या अभी चलते रहेंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर दो तो हमारे मंत्री हैं, अनिल विज जी हैं, अनूप जी हैं, 3 पूर्व विधायक हैं, बैठकर अपना कार्य करेंगे, इसमें कौन सी लड़ाई झगड़े हैं। जी सर जो कानूनी